नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं कनॉट प्लेस में और हमारे साथ वो महान शख्सियत मौजूद हैं एआर जोशी साहब और बालाग्राम बॉस जी, जिन्होंने जो बहुजन समाज के दर्द को हमेशा लेके जीते हैं और सुबह से शाम तक बहुजन समाज की बात करते हैं और कोई भी मिशन मूवमेंट का काम होता है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। जोशी साहब और बालाग्राम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो धन्यवाद। एआर जोशी साहब, ये बताइए कि आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो रविदास समाज का मंदिर को तोड़ा गया है उसको लेके कोई 12 तारीख का धरना कर रहा है, कोई 13 तारीख का कर रहा है, कोई 19 का कर रहा है, कोई 21 का कर रहा है, तो इतने धरने प्रदर्शन कोई अपनी गली में कर रहा है, कोई अपने जंतर मंतर पे कर रहा है, कोई कनॉट प्लेस बंद करने की बात कर रहा है, तो क्या होना चाहिए धरने प्रदर्शन का रूपरेखा? क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी भी हैं और समाज की मूवमेंट को, धाराओं को काफ़ी टाइम से अरसे से देखते हुए आ रहे हैं, क्या होना चाहिए इसका सही तरीका? जय भीम साथियों और जय गुरु रविदास जी। मैं इसमें मेरा ये कहना है कि देखिए, वो जो जगह है, जो जहाँ गुरु जी की जगह है, वो 600 साल पहले सिकंदर लोधी के टाइम से अलोट है और ये जगह चूँकि हमारी पूरी बहुजन समाज की वहाँ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारी वहाँ आत्मीयता से हम उनको मानते हैं। चूँकि ऐसा इतिहास भी बताता है कि स्वयं संत गुरु रविदास जी उस जगह आकर के रुके हुए हैं। और ये क्वेश्चन जहाँ तक धरने प्रदर्शन का है, मैं सब श्रद्धे साथियों से गुजारिश करूँगा, जितने भी बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, कि वो सब लोग मिलकर एक ही दिन धरना प्रदर्शन करें। और वो धरना प्रदर्शन जो है वो केवल तुगलकाबाद उसी भूमि पर होना चाहिए। खाली जंतर मंतर पर आने से इसका कोई औचित्य नहीं बनता और जो लोग अपने जगह जगह कर रहे हैं उसका भी मैं मानता हूँ कोई ये नहीं होता, पूरे समाज को मिल करके। ये धार्मिक मामला है, भावनाओं का मामला है, सेंटिमेंट का मामला है। हमारे सबके सेंटिमेंट उस भूमि से जुड़े हुए हैं, उस धरती से जुड़े हुए हैं, उस मंदिर से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम सबको एक निर्णय लेना चाहिए, जितना भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी लोग इसमें शिरकत करना चाहते हैं, कि हम सब लोग एक दिन चुने, एक टाइम चुने और उसी टाइम जा कर के हम अगर धरना प्रदर्शन करना है और अपनी ताकत दिखानी, तो उसी जगह जा करके जहाँ अपना तुगलकाबाद जो मंदिर का स्थान है वहीं जा करके धरना प्रदर्शन होना चाहिए। अदरवाइज उसका कोई औचित्य नहीं कि जंतर मंतर पाए। जोशी साहब, बहुत सारे लोग अमिड्राइड हैं, कुछ बुद्धिस्ट हैं और कुछ कबीरपंथी हैं, तो बहुत अलग अलग समाज के लोग आए हुए हैं, लेकिन कई लोग ये भी सोचते हैं कि ये रविदासी समाज का मंदिर टूटा है, हमारे समाज का तो टूटा नहीं है, तो किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, उनको उस धरने प्रदर्शन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा ये मानना है कि बाबा साहब ने जब से हमें बौद्ध धर्म की बात बताई उसके बाद से और उससे पहले, उससे पहले हम सब लोग गुरु रविदास जी को मानते थे और संत गुरु रविदास जी की जो मान्यता है पूरे भारत में है और वो हमारे धार्मिक गुरु हैं और बाबा साहब जो हैं राजनीतिक गुरु हैं। अगर इन दोनों को अलग अलग बांट करके कोई समाज देखता है तो मैं समझता हूँ न तो वो अम्बेडकराइट है, न वो सिद्धांतवादी है, न रविदासी है। हमारा एक समाज है और इस मुद्दे पर हमें एक होना चाहिए। हमें दूसरों से भी शिक्षा लेनी चाहिए कि एक दूसरे धर्म में आपने देखा होगा कितने देवी देवता कितने वो हैं, कितने सिस्टम हैं, सब एक सुर में बात करते हैं। हम केवल बुराई तो करते हैं उनके, लेकिन उनसे ग्रहण करना चाहिए, उनसे शिक्षा भी लेनी चाहिए कि ये हमारे जो दो, एक धर्म गुरु और दूसरे राजनीतिक गुरु, इसमें अलग नहीं है। चूँकि संत गुरु शिरोमणि रविदास जी हमारे बहुत ही बड़े गुरु रहे हैं और वो बाबा साहब हमारे राजनीतिक गुरु हैं। बाबा साहब, अगर देशी भाषा में कहा जाए कि बाबा से पोते को अलग नहीं किया जा सकता, तो जहाँ तक संत रविदास जी हैं वो हमारे शिरोमणि हैं और बाबा साहब जो हैं उनके बाद आए। और आपको जान के ये अचरज नहीं होगा कि जो उनकी वाणी है अगर उसका हम एनालिसिस करें और उनकी वाणी को ही बाबा साहब ने साक्षात अपने संविधान में लिख करके भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की जो संत रविदास जी ने कहा उस समय में भक्ति काल में, ये सिद्ध किया कि हम भी लेस नहीं है, तो वो भक्ति काल था, उन्होंने प्रूव किया जैसे बाबा साहब ने राजनीतिक उसमें प्रूव किया। तो जो लोग कबीरपंथी हैं और बुद्धिस्ट हैं और रविदासी हैं, हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। हम सबको मिल करके इस चीज़ का विरोध करना चाहिए और सर्टेनली एक प्रेशर बनाना चाहिए ताकि वो जो हमारे सेंटीमेंट जिससे भावना जुड़ी है वो जगह हमें मिले। वहाँ एक 600 साल पुरानी चीज़, और मैं गवर्नमेंट से भी ये आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि उनको इसमें हस्तक्षेप करके इस चीज़ को
ताकि समाज में देश में एक शांति का वातावरण बना रहे और इनको ये अलोट कर देनी चाहिए। इससे कोई बहुत भारी जो है DDA को बहुत लंबा चौड़ा इसमें ये नहीं होने जा रहा। बहुत से ऐसे मंदिर हैं, बहुत से ऐसे टेम्पल हैं, बहुत अगर दिल्ली में ही हम एनालिसिस कराएँ और दिल्ली में ही हम उसका पूरा एक इंस्पेक्शन कराएँ तो एक रिपोर्ट सामने आएगी। अब 100 की नहीं हज़ारों की तादाद में ऐसे मंदिर डीडे लैंड पर बने हुए हैं, तो एक मंदिर से हमें क्या आपत्ति हो सकती है? अगर वाकई आप समाज में और देश में और स्टेट में एक सामंजस्य पैदा करना चाहते हैं तो सर्टेनली गवर्नमेंट को इसमें एक्सेप्ट करके और उसको उस जगह को गुरु रविदास मंदिर के लिए अलॉट DDA को कर देनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।